नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम समझेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें संत की। राजस्थान के प्रमुख संत, संतों को समझने के लिए संत को दो पार्ट से डिवाइड करते हैं। या सारे हिंदू संत कहलाए भक्ति संत, भक्ति संत कहलाए। सारे मुस्लिम संत कहलाए सूफी संत, सूफी संत कहलाए। अब भक्ति संत का भी आगे जाके दो पार्ट से डिवाइडेशन हो जाता है। ऐसे संत जिन्होंने भगवान में आस्था दिखाई वे सारे संत कहलाए सगुण संत, सगुण संत। जिन्होंने भगवान में आस्था नहीं रखी, भगवान में विश्वास नहीं रखा, जो नास्तिक प्रवृत्ति के थे, और वो सारे संत कहलाए निर्गुण संत। जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा वो सगुण संत, जिन्होंने भगवान का अस्तित्व तो नहीं माना वो निर्गुण संत की श्रेणी में माने जाते हैं। अब इसी सगुण संत का भी दो पार्ट डिवाइडेशन है। ऐसे संत जिन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की, कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया और कृष्ण मार्ग अपनाया, वो कह रहे हैं कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी सगुण संत। और जिन्होंने भगवान राम जी की पूजा की वो कह रहे हैं राम मार्गी, सगुण संत। तो डिवाइडेशन थोड़ा सा संतों का, जहां पर संतों को दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, भक्ति संत सूफी संत, भक्ति संत। आगे जाकर दो पार्ट से और डिवाइडेशन है, सगुण संत निर्गुण संत। और सगुण संता के दो पार्ट से डिवाइडेशन है, जो कृष्ण को पूजते हैं, जो राम को पूजते हैं, अलग अलग। शुरुआत करते हैं भक्ति संतों से। एक एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट संत नाम है संत पीपा, संत पीपा जी। और संत पीपा जी के बारे में आज समझेंगे। आज एक ही संत पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में सारे संत और संप्रदाय जो महत्वपूर्ण सारे करवा दूंगा मैं। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज वाला वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक करें और मैक्सिमम शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले संत पीपा के बारे में। संत पीपा, संत पीपा का वास्तविक नाम आता है प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। संत पीपा इनकी जाति जो थी राजपूत, और राजवंश इनका था खींची वंश, खींची वंश था इनका। खींची वंश के राजकुमार थे संत पीपा प्रताप सिंह। खींची वंश राजस्थान के अंदर गागरोन में है, गागरोन दुर्ग जो है दक्षिण राजस्थान के झालावाड़ में, झालावाड़ में जो गागरोन दुर्ग है उसी गागरोन दुर्ग के अंदर जन्म स्थान है संत पीपा का। संत पीपा का जन्म स्थल इसी गागरोन को माना जाता है, और इसी गागरोन के अंदर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। संत पीपा का परिवार परिचय समझे सबसे पहले। संत पीपा का जन्म हुआ 1425 ईस्वी में, जन्म हुआ गागरोन में, गागरोन होता है जन्म, जन्म होता है 1425 ईस्वी में। संत पीपा के पिता का नाम कड़ावा राव खींची, पिता का नाम कड़ावा राव खींची, कड़ावा राव खींची, पिता का नाम कड़ावा राव खींची। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम है। और यहां पर श्रेणी जो है संत पीपा निर्गुण संत थे, संत पीपा निर्गुण संत थे। संत पीपा के गुरु का नाम रामानंद आता है, रामानंद को गुरु बनाया इन्होंने, और निर्गुण संत बने संत पीपा। संत पीपा को पूजने वाले लोग, इन्होंने जीवन भर कपड़े सील कर अपना जीवन यापन किया, इसी वजह से दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। दर्जियों के आराध्य देव संत पीपा को माना जाता है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, दर्जियों के आराध्य देव संत पीपा को माना जाता है। संत पीपा की छतरी, छतरी जो है गागरोन में है, गागरोन दुर्ग, इसी गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग हम पूरा पढ़ चुके हैं। गागरोन दुर्ग का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पूरा विस्तृत समझ सकते हो। इस गागरोन दुर्ग पर खींची वंश का अधिकार रहा, अकबर द्वारा पृथ्वीराज को गागरोन दुर्ग उपहार में दिया जाता है। इसी दुर्ग में बैठकर एक ग्रंथ भी लिखा गया पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, और ग्रंथ का नाम था वेली किशन रुक्मणी दी, बिंगल भाषा में लिखा गया। इसी गागरोन दुर्ग का एक प्रतापी शासक हुआ अचलदास खींची, जानकारी मिलती है अचलदास खींची की वचनी का शिवदास। तो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जानकारी है दुर्ग के बारे में, वो सारा डिटेल हम पूरा पढ़ चुके हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग और दुर्गों के बारे में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप विस्तार से समझ सकते हो। आप
यहां बात करें हम संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का मंदिर, मंदिर संत पीपा का समदड़ी में, मंदिर समदड़ी में है, समदड़ी बाड़मेर, वहां पर संत पीपा का मंदिर स्थित है। संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा टोडा गांव टोंक जिले में, टोडा गांव और टोंक जिले में संत पीपा की गुफा है। तो मंदिर, गुफा और छतरी, ये तीनों क्रम में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तीनों इंपॉर्टेंट है। छतरी करना है गागरून, मंदिर करना है समदड़ी बाड़मेर और गुफा करनी है टोडा गांव टोंक। इसी संत पीपा का मेला पड़ता है, संत पीपा का मनाई जाती है एक जयंती, संत पीपा जयंती, जयंती के नाम है संत पीपा जयंती। संत पीपा जयंती जो मनाई जाती है, पीपा जयंती चैत्र महीने की पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा जयंती मनाई जाती है। और संत पीपा जयंती का मेला, संत पीपा जयंती का मेला गागरो में भरता है, बाड़ में भरता है और टोडा गांव टॉप में भी भरता है। आज हमने पूरा परिचय किया संत पीपा के बारे में, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया।